Hi स्टूडेंट्स वेलकम टू Science एट 24/7 सेवन मई सेल फर्स्टपीथ का ईर फिज़िक्स एजुकेटर एंड एज वी ऑल नो दैट की अब फिजिक्स के पेपर में एक महीने से भी कम रह गया है चार मार्च को आपका फिजिक्स का एग्जाम है एंड अब uh, हमें ये टेंशन आ गई है कि हम फाइनली uh, मैम चार मार्च को जिस पेपर का सामना करने वाले हैं वो ईजी होगा हार्ड होगा किस तरीके का पेपर का लेवल होगा तो आज इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करूंगी पिछले आ, सालों के एनालिसिस के हिसाब से यानी कि प्रीवियस ईयर एंड उसके प्रीवियस ईयर आपका पेपर कैसा आया था उसके बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि इस साल का पेपर आपका कैसा होने वाला है उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल बिकॉज अगर फिजिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना यार तो एक ग्रैंड है ना मैराथन आपके लिए मैम ने ऑलरेडी अलाइन कर दी है इस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इवेंट लगा हुआ है महा का फिजिक्स का 10th फरवरी को मैं महा में कंप्लीट आपको फिजिक्स करवाने वाली हूँ चैप्टर नंबर वन से लेकर चैप्टर नंबर फोर्टीन तक सो प्लीज मेक श्योर दैट आप 10th फरवरी 12 पीएम 12 पीएम पर आप मैम के साथ जुड़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे इस आ, सेशन का वेट कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पर ही यह सेशन आ रहा है आपके सब्जेक्ट uh, ओरिएंटेड पढ़ने से पहले यानी कि इंग्लिश का पेपर आ जाएगा तो आप इंग्लिश का पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पेपर आ जाएगा तो आप केमिस्ट्री का पढ़ेंगे उससे पहले आपको फिजिक्स में इंग्लिश से भी पहले आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ जाए इसीलिए ये मैराथन इस बार पहले लेकर आ रहे हैं नहीं तो अदरवाइज ये मैराथन हम हमेशा एग्जाम के टाइम पर करते हैं उस टाइम पर हम स्ट्रैटेजी कुछ अलग रखने वाले हैं सो so, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए आने वाले हैं सो so, इस चैनल को बेटा पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और उस इवेंट का रिमाइंडर सेट करके लाइक जरूर से कर देना तो चलिए अब बात करते हैं अगर हम प्रीवियस

वहीं पर अगर हम 2022 की बात करें तो पेपर लेवल हार्ड माना गया था क्योंकि 2022 में टर्म वन एंड टर्म टू वाला सिनेरियो आया था है ना तो टर्म वन एंड टर्म टू वाले बच्चों को टर्म वन वाले uh, में बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स आए थे क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच ही था सिर्फ और एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच में बेटा या तो आता है या तो नहीं आता है, है ना बीच वाला कुछ नहीं होता है वहां पे स्टेप मार्किंग जैसा कुछ नहीं रहता है तो 2022 में जो पेपर था वो हार्ड माना गया था अब बात करते हैं हम ट्वेंटी ट्वेंटी की पेपर की तो अगर हम इस हिसाब से चले ट्वेंटी में हार्ड आया था पेपर ट्वेंटी में मॉडरेट आया था और ट्वेंटी में बात करें तो चांसेज ये uh, समझता है स्टूडेंट कि पेपर ईजी होगा बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है पेपर जो है इट वॉन्ट बीजी है ना पेपर इजी नहीं होने वाला है इस बार क्योंकि वी नो दैट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं आई डोंट नो व्हाट विद व्हाट अप्रोच यू आर स्टडिंग क्योंकि अगर आप मैम को फॉलो नहीं कर रहे हो आप मेरी बताई गई अप्रोच से नहीं चल रहे हो तो हो सकता है बेटा कि जो 2024 में आपको पेपर का सामना करना पड़े वो आपको बहुत हार्ड लगे क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड बड़े हैं अप्रोच डिफरेंट हुई है डेरिवेशन न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन सब का जो वेटेज रहता है वो अलग अलग रहता है इसके बारे में भी अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको है ना एक आई ओपनर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए जिसमें मैं बताऊंगी कि कितना आपके पास चांस है थेरेटिकल क्वेश्चन आने का कितने मार्क्स का कितना चांस है कि आपके पास जो क्वेश्चन हैं वो डेरिवेशन बेस्ड आ सकते हैं और कितने न्यूमेरिकल आ सकते हैं सो so, वहां से आपको ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलेगी है ना बट uh, यहाँ पे अगर हम बात करें ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में जो पेपर है वो ईजी आने के चांसेस नहीं है अगेन दो स्टूडेंट्स जिन्होंने शुरू से पढ़ाई करी है लगातार पहले दिन से वो सीरियस थे जब वो ट्वेल्थ में आए थे उनको पता था कि यार इस बार बोर्ड एग्जाम्स है शुरू से पढ़ाई करनी है उनके लिए पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है उनका क्या अप्रोच रहना चाहिए जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बट उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनका क्या अप्रोच रहना चाहिए और थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक उनके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए तो तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ठीक है सो पहले तो आप कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर से बताना कि आप फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट हैं सेकेंड टाइप के स्टूडेंट हैं और थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स हैं एक एक बच्चा कमेंट कर देना अगर जो भी फर्स्ट कैटेगरी का स्टूडेंट है वो कमेंट करेगा कमेंट सेक्शन में तो बाकी बच्चे उसी कमेंट पर लाइक ज़रूर से कर दें ताकि मुझे पता चल सके कि यहाँ पर हमारे साथ कौन सी कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं उसी हिसाब से बेटा हम आपके लिए सेशंस को प्लान करेंगे ठीक है फर्स्ट कैटेगरी वाला बच्चा वो है जो सारा साल पढ़ाई करता है और वहां पर अब इस टाइम पर आके वो फ्रीज हो चुका है उसको पता है नहीं चल रहा है कि अब क्या करना है, है ना शायद वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो चुका है कि यार अब तो सब आता है अब और पढ़ने की क्या ही जरूरत है ठीक है अब हम सब्जेक्ट ओरिएटेड पढ़ते हैं फिजिक्स को फिजिक्स के टाइम देखेंगे ये गलत है जो बच्चा सारा साल पढ़ाई करता आया है उस टाइम उस टाइम से लेकर इस टाइम तक लगातार मेहनत करता है उसकी अप्रोच इस टाइम पता है क्या होनी चाहिए सबसे पहले आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं और सेकंड थिंग आपको न्यू क्वेश्चंस पर टारगेट करना है अभी न्यू क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे यार ये ये जो आपने अपने हाथ में इस बला को पकड़ रखा है फ़ोन है भाई मेरा फ़ोन है है ना बट ये जो बला पकड़ रखी है ना ये बहुत काम की बला है बेटा इस को ज़रा खोलिए गूगल जी को पूछिए सी क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स न्यूमेरिकल्स सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस यू विल बी गेटिंग मल्टीपल कॉन्टेंट बट आई विल रिकमेंड कि आप गूगल की जगह अगर इसी चैनल पर प्लेलिस्ट कॉलम में जाके वहां ऊपर सर्च करेंगे फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स कंप्लीट वन शॉर्ट्स तो यू विल बी गेटिंग माई प्ले लिस्ट और बेटा वहां पर जाकर आपको जब प्ले लिस्ट मिलेगी आप उस प्ले लिस्ट को फॉलो करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन की मैं सी यू टी की एक प्ले लिस्ट बनाई थी सीयू टी वाले स्टूडेंट्स के लिए उसमें जो बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे आपको दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम सो फॉलो करो बेटा उन सब प्लेलिस्ट को ठीक है इन सब प्लेलिस्ट को फॉलो करो देखो चलो मैं अभी आपको बताती हूँ अगर आप इसी चैनल पे हमारे चैनल पर ही जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे और बेटा प्ले में जाकर यहां पे आप सर्च कर लो है ना फिजिक्स फिजिक्स अर्शप्रीत मैम ठीक है फिजिक्स अर्शप्रीत मैम एंटर कर दो तो बेटा यू विल बी गेटिंग अ लॉर्ड ऑफ वीडियोस ठीक है देखिए आपके पास क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का वन शॉट आ गया है देन आपके पास कंप्लीट सिलेबस बाय अर्शप्रीत मैम यहाँ पर ये प्लेलिस्ट में प्री बोर्ड ओरिएंटेड प्लेलिस्ट थी बट इस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए हैं तो आप इस प्ले को फॉलो करो आप देख सकते हो इसमें बेटा टेन वीडियोज़ हैं जिसमें सब सब चैप्टर्स यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है ठीक है सो so, इस प्ले को फॉलो करो इसके बाद आपके पास इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का डिटेल सिक्सटीन वीडियोज़ का है आई विल नॉट रिकमेंड दिस वीडियो राइट नाउ बाकी बहुत सारी बेटा वीडियोस ये यशस्वी बैच की वीडियोस को आप फॉलो करो अभी फुल चैप्टर इन फाइव आवर्स थर्टी वन मिनट्स है ना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड सो so, ये अगर डिटेल्ड वन शॉट चाहिए तो यू कैन फॉलो दिस लेक्चर्स सो ऐसा नहीं है बेटा कि यहाँ पर वीडियोस नहीं बनी है बहुत वीडियोज़ बनाई है मैंने आपके लिए बट अब राइट टाइम ये है कि आपको अपना प्लान आउट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से चैप्टर्स में आप वीक हैं और उन्हीं चैप्टर्स को आप फॉलो करें क्योंकि यूजुअली ये होता है कि हम जिन चैप्टर्स में स्ट्रांग होते हैं ना हम उन्हीं को और स्ट्रांग करते रहते हैं और वीक चैप्टर्स को टारगेट नहीं करते डर लगता है कि समझ में नहीं आएंगे बट वो डर को दिमाग से निकालो और डर का सामना करो ठीक है बेटा यू विल रियलाइज़ कि uh, कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट ठीक है सो न्यू क्वेश्चंस को टारगेट करना एंड सैम्पल पेपर्स सॉल्व करना है बेटा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट करना है फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने सेकेंड कैटेगरी स्टूडेंट्स जो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है अपने सिलेबस को लेकर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है जितना पढ़ा है उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है पता नहीं कि किस तरीके से लिखना है कैसे प्रेजेंट करना है नथिंग कुछ भी नहीं आता इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को और थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को संकल्प संकल्प 2.0 बैच बाय करना है अब ये क्यों बोल रही इसका प्राइस ज्यादा नहीं है हमने बहुत मिनिमल कर रखा है 500 से कम के प्राइस में है बट बेटा उस कंप्लीट बैच में मैंने चैप्टर नंबर वन से लेकर चैप्टर नंबर फोर्टीन तक चाहे वन पॉइंट हो चाहे टू पॉइंट हो इस तरीके से कंप्लीट करवाया दो दो तीन तीन सेशंस लेकर कि अगर आपने वो चीज पढ़ ली ना तो आपको उस चैप्टर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है बट हाँ आपको जेनवनली दिल से पूरा टाइम डिवोट करके शांति से बैठ के पढ़ना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आप बस घूमते फिरते है ना इधर उधर चलते और मम्मी बुला रही है पापा बुला रहे हैं और तुम पढ़ाई कर रहे हो नहीं कंसंट्रेशन से बेटा अगर तुम सुनोगे तो ये बैच इज गोइंग टू तो बी रियली यूज़फुल फॉर यू ठीक है सो इसका जो प्राइस है आफ़्टर यूजिंग दिस कोड वाई फाइव फोर नाइन आपको ये फोर नाइनटी नाइन का भी नहीं पड़ रहा है इस टाइम पर फोर सेवेंटी नाइन समथिंग का पड़ रहा है तो मिनिमल कॉस्ट है ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसमें इनरोल्ड हैं आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बेटा इसमें वीडियो लेक्चर्स को खोलिए और पढ़िए क्योंकि एक कॉम्पैक्ट सोर्स आपको चाहिए इस टाइम पर अगर आपने सारा साल कुछ भी नहीं पढ़ा है या आप पढ़ चुके हैं बट कॉन्फिडेंट नहीं है किन्नी पर्टिकुलर चैप्टर्स को लेकर तो आप उन चैप्टर्स को टारगेट कर सकते हैं इसमें सैंपल पेपर का एक भी बेटा फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है ठीक है चलिए अब थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो कुछ भी नहीं किया है अभी तक है ना जो कुछ भी नहीं किया है तो इन तीनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैं यहां पर आपके लिए लेकर आ रही हूं महामैराथन आपको महामैराथन में तो जरूर आना है यार आप जो भी बोलेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि मैम बुक नंबर वन से स्टार्ट करें महामैराथन में या बुक नंबर टू से स्टार्ट करें ठीक है क्योंकि मुझे आपकी राय जरूर चाहिए होगी चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर से मैम को बताना कि बुक नंबर वन से स्टार्ट करें या बुक नंबर टू से स्टार्ट करें क्योंकि आप की राय जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस सेशन इज़ ओनली एंड ओनली फॉर यू तो बेटा ज़्यादातर बच्चे जो भी इसमें जुड़ने वाले हैं वो अपने दिमाग में एक चीज़ यहाँ पर फीड करके आना सेशन छोटा नहीं होगा अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक दो घंटे में सेशन खत्म हो जाएगा नहीं माइट भी ऐसा हो सकता है कि 12 घंटे सेशन चले बट ये सेशन लगाने के बाद आपकी फ़िज़िक्स की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत लगेगी बहुत एनर्जी लगेगी तो उस टाइप की मेहनत और एनर्जी के लिए जो मैं डिवोट करने वाली हूँ इसमें आई वॉन्ट यूर फुल सपोर्ट माई आर्मी आई वॉन्ट यूर फुल सपोर्ट है ना हमें ऐसा बोलो कि हमें सबको दिखाना है भाई कि हम फिज़िक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स को और मैम से ही पढ़ेंगे सो so यार वो टाइप की डिवोशन है ना अगर मैं आपको देने वाली हूँ सेशन में तो सेम टाइप का डिवोशन मुझे मेरी आर्मी से चाहिए हम आएंगे क्लास में हम एंड तक साथ में रुकेंगे आपको ब्रेक्स भी मिलेंगी बीच में इन बिटवीन आप खाना भी खा पाएंगे है ना सारी तरह की ब्रेक्स मिलेंगी बेटा आपको बीच में ऐसा नहीं है कि लगातार बारह घंटे पढ़ाऊंगी नहीं हम बीच में ब्रेक्स लेते लेते पढ़ेंगे बट येस हम सारा सिलेबस कवर करेंगे इसमें सो so, लंबा सेशन चलेगा अपना सपोर्ट जरूर से दिखाना तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन टेंथ फेब्रवरी बारह बजे ठीक है सो so, आना ना भूलना और रिमाइंडर सेट कर लो जाकर और इवन को पहले ही लाइक कर दो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी ये सेशन में आएंगे जिन्होंने सब पढ़ रखा है वो भी इस सेशन में आएंगे और जिन्होंने पढ़ रखा है बट कॉन्फिडेंस नहीं है वो भी इस सेशन में आएंगे सबके लिए सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी बेटा आपको नसीआर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बता दिए थे वही टॉपिक्स को टारगेट करो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया वीडियो बनाया उसको टारगेट करो इफ यू वांट कि मैम एनसीआर क्वेश्चंस भी बता दो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो मैंने एनसीआर टी और क्वेश्चन में जुनून सीरीज में काफी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन भी टारगेट कराए हैं बट स्टिल इफ यू वॉन्ट कि मैम एक कॉम्पैक्ट वीडियो बता दो जिसमें से हमें एक्सरसाइज वाइज टिक करवा दो कि ये वाले वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन आई विल डू दैट ओनली बट फॉर दैट ऑल्सो आई नीड अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की येस मैम वी वॉन्ट वीडियो लाइक दिस सो सुबर उबर तरीके से बेटा इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए ताकि उस तरीके से ही हम आपके लिए मेहनत कर सकें ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना न्यू क्वेश्चन को जब मैं बोलती हूँ टारगेट करना है आप मेरे सेशंस को फॉलो करो मैं न्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर आती हूँ हर बार बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें मैम और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो यू कैन गो एंड बाय अ बुक आप मार्केट से कोई भी बुक लो बट सोल्ड बुक खरीदिए ऐसा नहीं कि अनसोल्व बुक खरीद रहे क्योंकि इस टाइम पर बेटा अगर आपके डाउट्स ज्यादा बढ़ गए ना तो आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो सॉल्व बुक लीजिए जिसमें आप क्वेश्चन सोल्यूशन आपके पास है आप उसको रीड आउट कीजिए आपको कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आता मैम इज देर विद यू आप मुझे मेल कर सकते हैं ए आर एस एच पी आर डब्ल्यू टी डॉट सिंग एट द रेट ऑफ एट दिन डॉट कॉम ठीक ठीक है .com. आप, mail, है आप मेल एंड तक चार मार्च तक इवन की चार मार्च को जब तुम पेपर देकर आओगे तब भी मैम इज देयर विद यू ये बात हमेशा याद रखना एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन वीडियो कैसा लगा पेपर इजी या हार्ड इजी उनके लिए होता है जो टीचर के बताए रास्ते पर चलते हैं और फॉलो करते हैं हार्ड उनके लिए होता है जो लास्ट के दिन उठते हैं और बोलते हैं कि हमें एक दिन में सब कुछ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बता दो तो वो बच्चा कभी भी कभी भी बेटा आप मान के चलो बेटा अखीर ले लास्ट के तीन चार दिन में पढ़ के आप कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो आपको अभी से सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी सो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस चैनल चैनल को सब्सक्राइब करो बेलाइकन को प्रेस करो संकल्प टू में आ जाओ है ना इस बैच में आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बेटा पढ़ाई करते रहेंगे अब जो इस में आपको सेशंस मिलेंगे उसमें आपको यू विल रियलाइज चाहे वो रे ऑप्टिक्स है चाहे वो वेव ऑप्टिक्स है कितना बढ़िया तरीके से आपको एक झलक दिखी थी वेव ऑप्टिक्स मैंने वन शॉट इस संडे को लाइव लिया था आपने देखा था किस तरीके से कितनी डिटेल में पढ़ाया है काफी सारे बच्चों ने उस सेशन को लाइक भी किया और प्यार भी दिया उस तरीके से बेटा हर एक चैप्टर टू और वन में डिटेल में पढ़ाया गया है तो आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आराम से सेशंस को खोलिए और कवर कीजिए ठीक है पढ़ना पड़ेगा आप समझ रहे हैं बिना पढ़े नंबर आ जाएंगे नहीं बिना पढ़े कभी भी नंबर नहीं आते हैं स्मार्ट वर्क करना जरूरी है बट हार्डवर्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट हार्डवर्क करेंगे तभी उसके साथ बेटा स्मार्ट वर्क सिंक में आके आपको अच्छे नंबर दिलवाएगा अदरवाइज नहीं नंबर आएंगे सो आ, हमें यह चीज याद रखनी है हर बच्चा पास होने वाला है कोई भी बच्चा फेल नहीं होने वाला है तो वो कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है कि हम पास भी होंगे अच्छे नंबर से भी पास होंगे सो कीप फॉलोइंग माई लेक्चर्स टिल देन लव यू ऑल टेक केयर एंड बाय